नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली छात्र संघ के इलेक्शन में एवीवीपी के कंपनी जीत का सिरे दिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली छात्र संघ ने एवीवीपी ने अपनी जीत दर्ज की, पर तिबिया कॉलेज के छात्रों ने इस बार के दिल्ली छात्र संघ के इलेक्शन में इतिहास रचा है। दिल्ली के बाकी कॉलेज में सबसे आगे रहा है तिबिया कॉलेज। इस कॉलेज के छात्रों ने मनाया इस जीत का जश्न, जिसमें बीजेपी एमसीडी के पूर्व मेयर राजेश लावड़िया और दिल्ली प्रदेश महामंत्री अपूर्वा गुप्ता भी शामिल हुए। इस जीत के जश्न में तिबिया कॉलेज के अपूर्व ने इस जीत को छात्रों की जीत है, और इस जीत के जश्न में अपूर्व और सभी छात्रों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। पेश है दिल्ली से राजू तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कोई भी अकेला नहीं रचता। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पूरे कॉलेज की वजह से खड़ी हूँ, एबीवीपी और बीजेपी के सपोर्ट की वजह से खड़ी हूँ। आज हम सब यहाँ पर हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये पार्टी एक ऑर्गेनाइज करवाएगी, उसके लिए थैंक यू सो मच पूरे सपोर्ट के लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस काम के लिए मुझे कॉलेज में चुना गया है वो सारे काम मैं पूरे कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, जीत का श्रेय अगर मैं सच कहूँ तो जीत का पूरा श्रेय मेरे कॉलेज के बच्चों को जाता है। जूनियर्स से लेकर सीनियर्स तक, मेरे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है। लेकिन उसके साथ ये बात बिल्कुल सच है कि अगर एबीवीपी नहीं होता तो आज हम नहीं जीत पाते। उनकी आइडियोलॉजी, उनका पूरा सपोर्ट। देखिए, कॉलेज में तिबिया कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कि 100 साल पुराना है, पर अगर हम कंपेयर करें तो रामजस कॉलेज भी 100 साल पुराना है, और उसमें और हमारे कॉलेज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमारे कॉलेज को ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि उन पर हम काम करेंगे। जैसे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बच्चों को कुछ को करिकुलर्स की ज़रूरत है स्पोर्ट्स में, बिकॉज आज के टाइम में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई में इतना स्कोर कर लिया। आप एक ओवरऑल पर्सनैलिटी एज अ पर्सनैलिटी कैसे हैं। आयुर्वेद को आज लोग अब्रॉड भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही नहीं है, आप बाहर जाके अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मोदी जी, नहीं, इन्होंने अच्छी जीत दर्ज की है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ स्टूडेंटों को कि ये जीत हमें बहुत बाद में जाके मिली है। इन्होंने मेहनत की है, और अच्छा काम करें आगे भी हमें जीत मिलती रहेगी। हाँ, मोदी जी का जादू पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, और आने वाले समय में भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है वो ऐसे ही जीत निरंतर करता रहेगा।